हेलो भाई, मेरी एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं किया सोनेट एनिवर्सरी एडिशन, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अब इसकी किया सोनेट एनिवर्सरी एडिशन की फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में यहां आपको DRL मिल जाती है और वाइट LED के साथ आपको हेडलैम्प मिलते हैं वाइट प्रोजेक्टर के साथ, और यहीं ये LED के साथ इंडिकेटर भी वर्क करता है। नीचे आपका यहाँ पे फॉग लैंप है, वहीं पियानो फिनिश में इसकी ग्रिल आ जाती है, और एनिवर्सरी एडिशन में पियानो ब्लैक फिनिश के साथ कुछ ऑरेंज टच दिया गया है पूरी ग्रिल पे। ब्लैक ग्रिल के साथ यहाँ पे एनिवर्सरी एडिशन फर्स्ट का लोगो भी मेंशन किया गया है ग्रिल के ऊपर ही। तो ये टोटल इसका फ्रंट लुक है किया सोनेट एनिवर्सरी एडिशन का। यहाँ बम्पर में हमको नीचे भी इसमें ऑरेंज टच मिल जाता है दोनों साइड, और कुछ बीच में सिल्वर भी मिल जाता है ब्लैक ग्रिल के नीचे, जो कि नंबर प्लेट के नीचे वाला एरिया है, और ऊपर किया का लोगो बोनट पे। वहीं अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस तरह के अलॉय देखने को मिलते हैं हमें। 215/60/16 टायर का साइज है, और यहाँ टायर पे भी किया के साइड में ऑरेंज टच दिया गया है। वहीं अगर आगे बढ़ें तो ORBM में इंडिकेटर मिल जाता है, क्रोम हैंडल मिल जाता है विद रिक्वेस्ट सेंसर, और वहीं नीचे इस पे ऑरेंज टच मिल जाता है हमको, जो कि रियर डोर तक है। और कुछ इसमें ऐसा दिया नहीं गया, बाकी ऑरेंज टच ही है मेन तो इसमें जो एनिवर्सरी एडिशन में मुझे दिख रहा है अपनी तरफ से। और अगर इसकी रियर लुक पे आते हैं तो पीछे आपको इस तरह से LED में रियर लैंप मिल जाते हैं, ब्रेक लैंप और रियर ब्रेक लैंप मिल जाते हैं। यहाँ आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है या किया की बैचिंग, यहाँ सोनेट की बैचिंग देखने के लिए मिलेगी हमको। और अगर वहीं साइड में आए तो TGDI की बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। यहाँ रिफ्लेक्टर, और पीछे इसमें रियर में यहाँ नंबर प्लेट की जगह है, और पीछे सिर्फ दो बैक सेंसर दिए गए हैं इसमें, एक यहाँ पे है और एक उस साइड है। और यहाँ भी डिफ्यूज़र में भी कुछ इसके ऑरेंज टच दिया गया है, सिल्वर कलर का डिफ्यूज़र दिया गया है इसमें। पिछले ग्लास पे डिफॉगर मिल जाता है, यहाँ आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है, ये शार्क फिन एंटीना मिल जाता है हमको इसकी छत पे। गाड़ी में मेन ऑरेंज टच में ही वर्क किया गया है, और कोई ऐसी मेजर चेंजेस नहीं है गाड़ी के अंदर। ये जो देख रहे हैं आप IMT HTX पेट्रोल वर्जन है ब्लैक कलर में। वहीं इसके इंटीरियर की बात करें तो यहाँ चारों विंडो पावर मिल जाती हैं, ये डोर हैंडल खोलने और बंद करने के लिए, ये लॉक अनलॉक विंडोज़ के लिए, यहाँ ORBM कंट्रोल है, ये तीनों बटन ORBM कंट्रोल के लिए हैं, ये ग्लास लॉक अनलॉक करने के लिए। यहाँ डोर पे कुछ वाइट स्टिचिंग के साथ लेदर वर्क दिया गया है। ये आपका बोटल स्पेस, यहाँ पे आप अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं। डोर भी इसका डुअल टोन में है, यहाँ पे ट्विटर प्लेस किया गया है। यहाँ हमको हेडलाइट कंट्रोल मिल जाते हैं, ये एक ऑफ सिक्योरिटी बटन है, यहाँ इंजन ऑन ऑफ पुश बटन मिल जाता है, यहाँ हमको AC वेंट मिल जाता है, ये आपका एनक लॉक है, यहीं स्टेयरिंग पे माउंट कंट्रोल मिल जाते हैं,
ये ऊपर वॉइस कमांड के लिए, ये इन्फोटेंट सिस्टम के मोड के लिए, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा के लिए, ये चेंज करने के लिए, ये फ़ोन पिक करने के लिए, और वहीं बीच में किया की बैचिंग के साथ, यहाँ हॉर्न पे भी किया की बैचिंग और से एक एयरबैग की बैचिंग है। ये दो डुअल एयरबैग के साथ आती है ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। यहीं आपको क्रूज कंट्रोल और अदर ऑप्शन इन्फोटेंट सिस्टम को सेट रीसेट करने के लिए मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल को कैंसिल करने के लिए भी यहाँ पे बटन अवेलेबल है। ये टोटल स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल दिए गए हैं। अब वहीं इसके एना क्लॉक पे आते हैं। एना क्लॉक कुछ इस तरीके से ऑन होता है। यहाँ पे साइड में स्पीडोमीटर, राइट साइड पे फ्यूल के लिए, ये इंजन टेम्परेचर के लिए, और बाकी इंडिकेशन एना क्लॉक सिस्टम में शो हो रहे हैं। तो ये अपना एना क्लॉक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अपना इन्फोटेंट सिस्टम, जो कि 8 इंच डिस्प्ले के साथ हमको मिल जाता है। और वहीं नीचे बात करें तो इन्फोटेंट सिस्टम में, पहले मैं बता देता हूँ, इन्फोटेंट सिस्टम में आपको एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड कार प्ले के साथ आता है, बट ये वायर से कनेक्ट होता है। और वहीं नीचे करें तो इस पे पार्किंग लाइट के लिए यहाँ पे बटन प्लेस किया गया है। यहाँ एसी वेंट, यहाँ पे एक एसी वेंट, ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के बटन से सारे फैंस के ऑटो क्लाइमेट ऑफ का, और ये माइक है ब्लूटूथ बात करने के लिए, ये फैन कंट्रोल के लिए। और वहीं नीचे आ जाते तो ये एक छोटा स्पेस दिया गया है मोबाइल वगैरह या की वगैरह कैरी करने के लिए। वहीं एक 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है, एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, और एक इसमें यूएसबी पोर्ट एक्स्ट्रा दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग इस फोन में, इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। ये आईएमटी वेरिएंट है जो हम देख रहे हैं। और थोड़ा स्पेस यहाँ भी अवेलेबल है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन है 6 गियर बॉक्स के साथ, आईएमटी वेरिएंट। तो यहाँ पे अपना हैंड ब्रेक प्लेस किया गया है। यहाँ 2 कप होल्डर है। डेस्क बोर्ड भी इसका डुअल टोन में है। यहाँ स्पेस है, बट ये स्पेस कूल्ड नहीं है, ग्लोब बॉक्स कूल्ड नहीं है इसका। वहीं को ड्राइवर की साइड भी एक ट्यूटर प्लेस किया गया है। यहाँ ये रियर व्यू मिरर मैनुअल, और ऊपर आए तो आपको यहाँ 2 रीडिंग लाइट मिल जाती है, जो कि हाइलोजन है येलो कलर की। ये आपका सनरूफ कंट्रोल है, जिससे आप सनरूफ को कंट्रोल कर पाएंगे। सनरूफ को इसका इतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल सनरूफ है, एक बच्चा तो आराम से इजीली निकल सकता है। तो ये आपका सनरूफ कंट्रोल हो गया यहाँ पे। और वहीं सनग्लास होल्डर भी अवेलेबल है यहाँ पे। ड्राइवर साइड पे खाली टिकट होल्डर है। इस साइड आपका मिरर अवेलेबल है, बट इसमें लाइट अवेलेबल नहीं है, बट ये एडजस्टेबल है, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ हमें आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि स्लाइड नहीं हो रहा, आगे नहीं आ सकता। खोलते हैं। आर्मरेस्ट में स्पेस है, कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है, ठीक ठाक है। पर्स वगैरह कैरी कर सकते हैं इजीली, अपना वॉलेट वगैरह कैरी कर सकते हैं। इस तरह की हमको इसमें की मिलती है, यहाँ किया की बैजिंग, ये लॉक का बटन या अनलॉक का, ये अगर कुछ टाइम होल्ड कर करके तो गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, इंजन को स्टॉप और ऑन कर सकते हैं यहाँ से। ये डिग्गी के लिए, रियर डोर को खोलने के लिए, डिग्गी के बूट स्पेस के लिए, तो बूट स्पेस के डोर को आप यहाँ से प्रेस करके खोल सकते हैं इजिली। वहीं बैक डोर के पीछे बात करें ड्राइवर के पीछे वाले, तो यहाँ मिरर कंट्रोल मिल जाता है हमें, वही पीछे लेदर लुक में वाइट स्टिचिंग के साथ कुछ टच दिया हुआ है, ये डोर ओपन क्लोज करने के लिए। और यहाँ हमें ये एक कर्टन टाइप शेड मिल जाता है, जो कि
इस तरह से गाड़ी में लगा सकते हैं और इसको नीचे भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बैक सीट पैसेंजर के लिए भी एसी वेंट अवेलेबल हैं, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ वेंट को ही एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ एक 12 वाट का सॉकेट मोबाइल चार्ज के लिए, और मोबाइल चार्जिंग पे लगा के आप इस स्पेस में रख भी सकते हैं। और वहीं ब्रेक में आपको ये 2 कप होल्डर विद आर्म रेस्ट मिल जाता है। और एक रीडिंग लाइट इसमें मिड ऑफ द रूफ भी दी हुई है बीच में। इस तरह का फ्रंट व्यू है इसका, फ्रंट ड्राइवर व्यू। इसमें आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है, पीछे बूट स्पेस। बूट स्पेस किया में सोनेट के अंदर अच्छा बूट स्पेस है। एक पीछे आपको बूट में लाइट भी दी गई है, सिर्फ एक साइड है। और यहाँ कुछ